ओ सो फाइनली गाइज अभी हमारे पास आ चुकी है KTM RC 200 और गाइज इसका भी पिकअप भी चेक करेंगे। एंड गाइज ये काफ़ी स्मूथ है यार, अभी मैं जस्ट चेक कर रहा था इसको, भाई लिटरली बता रहा हूँ तुमको बहुत ज़्यादा स्मूथ है गाइज ये। और ओ और 390 तो गाइज इससे भी मस्त है, मतलब जो अभी नया वाला मॉडल आया उसका। एंड गाइज इसका ये थोड़ा सा ना, तो गाइज अपनी बाइक का मैं आपको अपडेट दे दूं कि भाई बाइक तो आज मैंने उनको फिर से कॉल किया था, तो जो वहाँ पे फ्रंट काउंटर में बैठते हैं तो वो एक्चुअली आए नहीं हुए हैं 3 दिन से। सो मैंने कॉल करके पूछा था कि भैया जी हमको बता दो कि हमारी बाइक आप लोग कब दे रहे हो, आपने कहा था कि मंडे को कन्फर्म है, तो यार अब मैं क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रही है बिल्कुल भी, आप लोग बताओ क्या करूँ मैं। तो अब वो कह रहे हैं कि कल, मैं तो कल सीधा वहीं जाने वाला, उन्होंने कहा कि कल आप दोबारा कॉल करके कंफर्म कर लेना, मतलब यार मजाक ही कर रहे हैं, मतलब करना क्या चाहते हैं वो लोग मेरे को समझ नहीं आई उनकी बिल्कुल भी। एंड जब इनकी बारी आती है सर्विस की, गाइस सर्विस इतनी घटिया है ना, अब आई डोंट नो सबकी यही है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो ये छन्नी का यामाहा शोरूम है भाई बहुत घटिया है यार, इसकी सर्विस बहुत घटिया है। अराउंड मेरे को होने वाले हैं 1 महीना एंड 3 दिन होने वाले हैं अप्रॉक्स मुझे बाइक दिए हुए उनको, एंड उन्होंने कहा था कि 15 या 20 दिन के अंदर, मैक्सिमम 20 दिन उन्होंने कहा था, मतलब इतनी बार उनको कॉल करने के बाद तब जाके उन्होंने पार्ट्स मंगवाए, मतलब इंश्योरेंस करते क्यों हैं ये लोग अगर इनको क्लेम नहीं देना होता है, जिस हिसाब से ये लोग करते हैं ये सोचते हैं कि अगली बार कोई आना नहीं चाहिए, कोई जानबूझ के नहीं तोड़ता यार बाइक, अगली बार से तो मैं बिल्कुल काम नहीं करवाने वाला यामाहा से। अब उन्होंने कल का बोला, कल तो मैं सीधा वहीं जाऊँगा एंड कल मैं बाइक लेके ही आऊँगा गाइस, कन्फर्म है, चाहे जैसे भी होगी मैं वापस लेके आ जाऊंगा एंड सीधा मैं मेल कर दूंगा यामाहा को कि गाइस कि आप लोगों की सर्विस इतनी घटिया है ना, मतलब हद होती है किसी चीज़ की यार, ए एक्सटर्नल पार्ट्स आप लोगों को मंगाने में इतना टाइम लग रहा है, तो समझो फिर, सोचो फिर, अगर आपके पास एक इंटरनल इशू हुआ कुछ बाइक में तो आप तो पूरा साल लगा दोगे उस हिसाब से। थोड़ा खींचते हैं यार इसको एंड देखते हैं क्या भागती है ये, 104 108। भाई बिल्कुल बबल नहीं करती है, या तो स्टेयरिंग इसका हिलता नहीं बिल्कुल, ओ ये क्या कर रहा है, बिल्कुल बबल नहीं करती है, या तो स्टेयरिंग इसका हिलता नहीं बिल्कुल, ओ ये क्या कर रहा है, ऐसे किया इसने अभी ऑटो वाले ने, क्या हुआ भाई क्या कर रहा था, मुझे तो लगा गया अभी है भाई, पूरी ऐसे करके इसने कट मारा है, ये ऐसे करके ऐसे सांप बना रहा था क्या। तो ये चला के तो मजा आ गया गाइस, तो अब चलाते हैं, स्मूथ है यार, स्मूथ है, सही है, हैंडल वो नहीं करता है, बड़ा मस्त, मतलब बैलेंसिंग है बहुत। और बस ये एक सीट जो है ये वाली, ये मेरे को थोड़ा सा इसका लगा बहुत ऊपर है यार, नॉर्मल बाइक्स के मुकाबले बहुत ऊपर है। ओ भाई ये बहुत भागती है अभी वो है, बट इसका हैंडल बहुत शेक करता है यार, मैंने एक वीडियो में देखा था, तो मैं इसलिए थोड़ा सा इसको स्लो ही चलाता हूँ, मुझे नहीं पता या तो उसके हैंडल में इशू था, ये सभी में इशू है कि कभी भी ऐसे से हिलना शुरू कर देता हैंडल, तो वो चीज़ थोड़ी सी देखनी पड़ेगी गाइस, इसीलिए मैं इसको थोड़ा स्लो चलाऊँगा। पावर बहुत है गाइस इसमें भी, भाई बहुत पावर है एंड नेक्स्ट बाइक है बिल्कुल, तो मज़ा आता है इसको भी चलाने में। एंड ये आपको बिल्कुल कम्फर्टेबल है गाइस, मतलब आपको फील नहीं होगा या आपको बैक पेन वगैरह कुछ नहीं होगा, उस पर थोड़ा सा होगा अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जाओगे कहीं, तो वो देखो वो तो गायब भी हो गया, मैं तो इसको आराम से चला रहा हूँ थोड़ा सा, भाई मैं नहीं चाहता कुछ वो हो, तो इसीलिए किसी और की बाइक है, ऐसे ही जस्ट टेस्ट राइड के लिए ली है, तो कोई ना, मेरे ख्याल से इसका हैंडल टेढ़ा है। तो वापस आ चुके हैं गाइस हम लोग पिट स्टॉप में, मज़ा आ गया गाइस, पावर है यार इसमें, बट ये है ना नेक्ड है, और इसका हैंडल भी थोड़ा सा कर रहा है ना, हैंडल मेरे को लग रहा है इसमें थोड़ा सा इशू हैंडल में, तो हैंडलिंग में इसका थोड़ा सा मेरे को लग रहा है यार, तो बाकी कुछ नहीं, बाकी मस्त है, इसकी पावर भी सेक्सी है यार, पर ये मेरे को थोड़ा सा बैलेंसिंग लगी काफ़ी, तो कोई नहीं चलो चलते हैं अभी यहाँ से। अरे आराम से, लाइट्स ऑफ कर देते हैं एंड निकलते गाइस यहाँ से, वो देख रहे कैसे मिट्टी उठाते उठाते जा रहे भाई, तूफान मचा के जा रहे हैं, तूफान, रुक रुक रुक, अबे मेरे कपड़े, मेरे कपड़े,
ये देखो बड़ी स्लो आया है। चल आ जा, गया है भी गिला स्पीड में। ओ भाई गलत सीन है, कैसे जा रहे भाई? भाई कपड़े गंदे पूरे पीछे से। ओ ओ ज्यादा स्पीड में आ गया बे यार, यार। क्या कर रहा है सक्षम? रुक 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 रुक, उठा 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 चल भाई। तीनों बाइकें गिरा दी इसने सक्षम ने आज। आगे ले बाइक को, रुक 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 उसको, चल 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 स्टैंड लगा, कुछ नहीं टूटा, क्रैश गार्ड बचा लिया, बचा लिया वो, बचा लिया बचा लिया। ओए फुटरेस्टर रुक जा, मैं डलवा दूंगा टेंशन मत। अबे दोनों फुटरेस्टर भाई अभी डलवाने पड़ेंगे भाई। एक सेकंड, इसका कुछ नहीं है, बच गया, क्रैश का रुक जा। ये तो चलो हो जाता है, एडजस्टेबल है यार, लग जाता है। ये देखो भाई, अच्छा ये दोनों ऊपर वाले, यहाँ के दोनों उड़ गए, इस साइड से टूट गया, ये की तरफ के दोनों फुटरेस उड़ गया गाइस। क्रैश कार्ड थोड़ा ठीक है, बाकी फेयर डिप गया, फुटरेस दोनों निकल गया। हां दोनों फुटरेस उड़ गए भाई, इतनी स्पीड में वहां से आया भाई। मेरे को क्या पता ये रुक जाएगा आगे, मैं इधर से आ रहा हूं भाई, साइड पे वो देख, वो बीच में लगा के बोल भाई यहां ब्रेक मारी है तूने, कहां कहां सेंटर में रोई पानी पूरा आ गया मेरे ऊपर, मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे आगे भाई, कहां पे मैं दिखा गया है मैं, पीछे पीछे और इसकी एबीएस बजी हुई नहीं ब्रेक में, उसकी आगे वाली ब्रेक फेल है। उसका क्या क्या हुआ? उसको कुछ नहीं हुआ, उसको कुछ भी नहीं हुआ ना गाइस। देखो ड्यूक का कुछ भी नहीं हुआ यार, देखो ड्यूक, देखो सही बाइक है गाइस, ड्यूक यार देखो, क्रैश कार का चाली गाइस, ब्रेक से पहले की आती थी तेरी बाइक, क्या गिराया भाई वो तो नॉर्मल, तू खुशी बना रहा है, तेरी बाइक को कुछ नहीं हुआ यार, कुछ भी नहीं हुआ ड्यूक, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, फुटरेस्ट से टूटा गाइस, जो उसी पर डंका देंगे यार। ये कहाँ जाता? ओ एक्सीडेंट हुआ क्या? ओ भाई पूरी ठोक दी है, आल्टो वाले ने डिजायर वाले को ठोक दिया है, पीछे से पूरा बम्पर उड़ा दिया बैक वाला।